हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों आज 4 मई है, आज मेरा मैरिज एनिवर्सरी है, आज भगवान जी को हमको तैयार करना है। तो देखिए यहाँ का मौसम का क्या हाल है, कितना तूफान और किस तरह से यहाँ पर बारिश हुआ है। देखिए आप देख पा रहे होंगे बादल एकदम जैसे लग रहा करीब हो गया है। यहाँ का प्रकृति देखिए, थोड़ा हमको सिंगार करने में अब दिक्कत आएगा, जितना मैं कर सकती हूँ उतना आपको दिखाऊंगी। दोस्तों हम सोचे लाओ थोड़ा प्राकृतिक भी सीन लिया जाए, आप लोगों को दिखाया जाए। हमारे यहाँ डेली ऐसा हो रहा है, या तो सुबह हो जा रहा है या तो शाम हो जा रहा है। देखिए कितना अद्भुत सीन है ना, जैसे लग रहा है बादल एकदम पास में आ गया है। दोस्तों घर देखिए, यहाँ डेली ऐसे हो रहा है दोस्तों। फिर इसी बीच लाइट भी चला जा रहा है, और प्रॉब्लम हो जा रहा है। लाइट जा रहा है तो दो दो घंटा तीन तीन घंटा तक चला जा रहा है। वीडियो भी अब आपको लेट में ही मिलेगा दोस्तों, क्योंकि ये सब तूफान आने से थोड़ा मेरा टाइम फालतू का जो होता है सामान वामान हटाने में वेस्ट हो गया। बहुत हवा था, बहुत बारिश था, इसकी वजह से थोड़ा वीडियो आपको लेट मिलेगा। दोस्तों हमको पता है आप लोगों का इंतज़ार है। और दोस्तों आप लोगों के खुशखबरी सुनानी है, मेरा 1K हो गया दोस्तों। सब आप लोगों का ही मतलब सपोर्ट से मेरा हुआ है दोस्तों। तो सबसे पहले इस चीज़ का हकदार आप लोग होते आप हैं दोस्तों। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत बहुत, बहुत थैंक्स बोलती हूँ दोस्तों, क्योंकि मेहनत हम भले ही करते हैं लेकिन सपोर्ट, बिना आपके सपोर्ट से हम आगे नहीं बढ़ पाते। आप ही का सपोर्ट है जो आज ये रंग लाया है दोस्तों। आपको दिल से धन्यवाद मैं करती हूँ दोस्तों। बस दोस्तों इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए और मैं मेहनत करती जाऊँ दोस्तों, क्योंकि मैं मेहनत करूँगी, आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे दोस्तों। इस चीज़ का सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है वो आप लोगों को जाता है दोस्तों। आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स, बड़ा वाला थैंक्स दोस्तों, बड़ा वाला थैंक्स। देखिए बादल कितने पास से, एकदम पास में, जैसे लग रहा है ना कि बादल एकदम नीचे में आ गया है। अभी प्रदूषण नहीं जो देखिए आकृति में कितनी, नहीं तो ऐसे तूफान कई बार ही धराते आए हैं, पर इतना करीब से ये सीन नहीं आता था। देखिए कितना अच्छा से ये हम छत पर जाकर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि बालकनी से उतना अच्छा से नहीं हो पाता है। मेरा टेरेस देखिए बहुत बड़ा है, क्योंकि ये फ्लैट है, इसमें 65 मेंबर्स रहते हैं, 65 फ्लैट है तो 65 लोग रहते हैं, तो काफ़ी बड़ा छत है, आप देख पा रहे होंगे। बारिश चालू हो गया है, देखिए बारिश का सीन भी होता है, कर रहे हैं आप देख पा रहे होंगे। बहुत तेज हवा आ रहा था, सुनो पीछे सारे सामान गिर रहा है, आप देख पा रहे हैं ना, गिरी से पानी गिर रहा है, बहुत तेज पानी आ रहा है। कैसे मेरे शादी की टाइम भी हुआ था, 4 मार्च को मेरा शादी था, 5 मार्च को मेरा विदाई था, जब हम ससुराल गए तो इसी तरह से आंधी तूफान आया था, ठीक इसी तरह आज भी आया दोस्तों। बहुत हंसी भी आ रही थी सोच सोच के। और आप लोग बोले थे आप युगल सरकार को अपने दूल्हा दुल्हन की तरह सजाइएगा दोस्तों, मैं कोशिश की हूँ पर हो पाया नहीं है उतना, आप देख लीजिएगा आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, क्योंकि अंधेरा भी हो गया था दोस्तों, बहुत मुश्किल हुआ इनको तैयार करने में, इसलिए हम
उनको तैयार करते हुए वीडियो नहीं बना पाए दोस्तों, क्योंकि पूजा भी रहता है, तैयार भी करना रहता है, सब कुछ रहता है एक साथ, तो नहीं हो पाता। तैयार करने में बहुत टाइम लगता है दोस्तों। ऊपर से लाइट चला गया, वो अलग एक दिक्कत। जैसे बारिश हो रही वैसे गर्मी भी यहाँ ज़्यादा पड़ रही है दोस्तों। अब दोस्तों आप लोग ये कमेंट करते हैं कि कान्हा जी को, गोपाल जी को आप पैंटी पहना के रखो। दोस्तों ऐसा नहीं कर सकते, गर्मी कितना भी पड़ते हर इंसान वस्त्र पहनता ही पहनता है, और इनके पास फैन चलता ही रहता है। मुझे नहीं अच्छा लगता कि गोपाल जी ऐसे रहें, मुझे ये सिंगार में ही पसंद आते हैं। सब अपनी अपनी भाव होता है दोस्तों, आपको भाव ऐसा लगता है तो आप पहना सकते, पर मुझे ऐसा महसूस नहीं होता है, क्योंकि मुझे नहीं, मुझे लगता है मेरे भगवान जी उदास है, इसलिए हम उनको सिंगार करते हैं और इनको हम कपड़ा गर्मी वाला ही पहनाते हैं, पूरा नेट का कपड़ा पहनाते हैं। हाँ कोई फेस्टिवल हुआ तो इनका त्यौहार है तो उनको हम नॉर्मली कपड़ा तो नहीं पहना सकते दोस्तों। देखिए मेरे लड्डू जी को आज कितने अच्छे से तैयार हुए, इनका ड्रेस देखिए सुंदर लग रहा है ना। ये 3 पीस वाला ड्रेस है, पटका भी है इसके साथ। अब हम अपने बासु को तैयार किए हैं दोस्तों। हम पूरा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए दोस्तों, आपको बार बार बता रहे हैं, तूफान की वजह से हम पूरा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, जितना कर पाए उतना आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। तूफान की वजह से लेट भी हो गया, हम जल्दी जल्दी सिंगार किए दोस्तों, बहुत जल्दी में ही सिंगार हम युगल सरकार का भी किए, लड्डू जी का भी किए, बासु का भी किए। देखिए बासु का ड्रेस आप देख लीजिए, किनारे में वर्क है लेकिन पूरा नेट का उनका ड्रेस है, आप देख पा रहे होंगे एकदम पतला है। अब इनको वस्त्र नहीं पहनाओ तो मुझे नहीं अच्छा लगता दोस्तों, मुझे देखने का हमेशा ऐसे आदत है तो मुझे सिंगार में ही देखना पसंद आते हैं भगवान जी, क्योंकि भगवान जितने सजे रहते हो उतने आप अपने मन को शांति मिलती है और अच्छा भी रहता है, भगवान को सजा के ही रखना चाहिए। देखिए इनके पास देखिए फैन चल रहा है, हमेशा फैन चलता रहता है ये हमारा। अब हम अपने गणेश जी को स्नान कराएंगे, इनको भी वस्त्र पहनाना था दोस्तों, वस्त्र नहीं पहना पाए हैं, शाम को इनको वस्त्र हम पहना देंगे। अभी स्नान करके पूजा करा दे रहे हैं, क्योंकि इनका वस्त्र पहनाने में दिक्कत आएगा और अंधेरा भी है तो मुश्किल होगा। अब लाइट आ गई है, देखिए हमारे युगल सरकार तैयार हो गए हैं, मंदिर में आ गए हैं। अब हम पूरा डेकोरेशन करके दोस्तों जल्दी जल्दी आपको दिखा रहे हैं, पूजा भी स्टार्ट हो गया है मेरा। सबसे ज़्यादा तो मेरा टाइम लग जाता, 2 घंटा तो मेरा पूजा में चला जाता है दोस्तों। आज हमें फूल भी मिल गई थी तो आज हम फूल से भी डेकोरेशन किए हैं। आप ज़रूर बताइएगा कैसा रहा मेरे मैरिज एनिवर्सरी में, कैसे तैयार हुए मेरे ठाकुर जी, कमेंट करिएगा दोस्तों। अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, लाइक बटन दबाना नहीं भूलिएगा दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ईश्वर आप लोगों को हमेशा सुख संपन्न जीवन व्यतीत करें। आप लोग कभी आप लोगों के जीवन में कोई दुख ना आए दोस्तों। फूलों में सज रहे हैं मेरे वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं मेरे वृंदावन बिहारी, सांवरिया तुमको किसने सजाया है, सांवरिया तुमको किसने सजाया है,
तुझ सुंदर से सुंदर गहना पहनाया है, तुझे सुंदर से सुंदर गहना पहनाया है। कितना प्यारा है सिंगार कि तेरी लूं मैं नजर उतार, कितना प्यारा है। दोस्तों देखिए मेरे ठाकुर जी को, मेरे गोपाल जी को, आप ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आज का पूजा। आज स्पेशल पूजा था, आज हमारे शादी का सालगिरह था तो इसलिए स्पेशल पूजा। अभी इनको भोग अभी और लगाना है दोस्तों। अभी इस टाइम तो मैं जल्दी जल्दी देखिए तुलसी माता, मेरे सालिग्राम जी, ये हैं हमारे कछुआ जी। आप बोले थे कि कछुआ जी दिख नहीं रहे थे, तो सो मैं दिखा रही हूँ, आप देख लीजिए। इनको हम उत्तर दिशा में ही रखे हैं, इनका मुख हमेशा उत्तर दिशा में ही रहना चाहिए। बाहर का पूजा है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। डेली मेरा होता है सुबह और शाम, बाहर भी डेली होता है। हम लोग हमारे साउथ में पूजा थोड़ा ज़्यादा होता है दोस्तों। स्पेशल दिन का पूजा थोड़ा अलग ही रहता है, यहाँ थर्सडे या फ्राइडे बहुत ज़्यादा पूजा होता है। अब इनको हम भोग लगा रहे हैं, भोग में हम इनको अभी दाल बनाए हैं, चावल बनाए हैं, आलू परवल फ्राई भुजिया बनाए हैं दोस्तों। बस इस समय अभी हम इनको यही भोग लगाएंगे, शाम को मीठा खीर बनेगा, पूड़ी बनेगा, पनीर की सब्जी बनेगी, ये सब शाम को चढ़ेगा दोस्तों। फल में आम चढ़ाए हैं, केला चढ़ाए हैं, तरबूज चढ़ाए हैं, मिश्री है, माखन है, ये सब चीज़ों का हम भोग लगाए हैं। अब अपने प्रभु जी को हम अनुरोध कर रहे हैं, आओ मेरे गिरधरी, आओ मेरे गोपाला, आओ मेरी राधे रानी, आकर भोग लगा जाओ मैया मेरी, आकर भोग लगा जाओ। दोस्तों भोग के लिए हम प्रार्थना कर चुके हैं, अब हम पर्दा लगा देंगे जिससे मेरे ठाकुर जी अपना भोग ग्रहण कर सके। फिर 10 मिनट के बाद मैं आकर घंटी बजाऊंगी, फिर उसके बाद मैं पर्दा खोलूंगी। पर्दा खोलने के बाद मैं जो भोग लगाई थी उस खाने को अपने खाने में मिक्स करके हम लोग खा लेंगे। ये सात्विक भोजन रहता है दिन में, सात्विक भोजन सभी लोग खाते हैं हम लोग, बिना प्याज लहसुन का खाना बनता है इनका, अब वही खाना हम लोग ग्रहण करते हैं, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। अब हम इनको पर्दा लगा देंगे दोस्तों, ताकि हमारे ठाकुर जी आराम करें। 10 मिनट हो गया ना, अब 10 मिनट के बाद हम इनको आराम करने के लिए घंटी बजा देंगे। आराम